बिसम अल्लाम तमाम दोस्तों को रोज़गार इन्फो चैनल में खुश आमदीद उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान अटामिकनर्जी कमीशन के एक न्यू जॉब्स के हवाले से जहाँ इस वक्त बहुत ज़बरदस्त जॉब अनाउंस की गई है जिन पर तमाम पाकिस्तानी मेल एंड पीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस क्या है टर्म एंड कंडीशन क्या है और आप लोग इस पर अप्लाई किस तरीके से करेंगे तमाम तर मालूमत इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रोज़गार इन्पो को ज्वाइन किया हुआ है तो आप इसको रिमूव करें क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को किसी ने हैक किया था जिसकी वजह से अब मैं इसका एडमिन नहीं रहा इसके अलावा मैंने इसके कम्यूनिटी टेब में भी पोस्ट किया था आप अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप रोज़गार इन्पो ऑफिशियल जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है आप इनको ज्वाइन करें लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इसके अलावा आप लोग कम्युनिटी टैब में जाकर वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो तो चलते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और पीओ बॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो टेन जीरो सिक्सटी एट ये पीओ बॉक्स का एडवर्टाइजमेंट है यहाँ सीरियल नंबर वन पर नर्स की पोस्ट है जिनकी स्केल एसपीएस पी सिक्स है और ये कंट्रैक्ट बेस पर है इस पर तमाम पाकिस्तानी लोग अप्लाई कर सकते हैं और तमाम के तमाम पोस्ट के कंट्रैक्ट बेस पर है बाद में ये परमानेंट भी हो सकते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो इस पर तीन साल डिप्लोमा वाले इन नर्सिंग वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा एक साल मिड वाइफरी कोर्स भी मांगा गया है और साथ दो साल एक्सपीरियंस भी इसके अलावा इस पर तीन साल डिप्लोमा इन नर्सिंग एक साल कोर्स इन आई या वार्ड वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा इस पर एम एस सी एंड चार साल बी एस सी नर्सिंग वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कोई तजुर्बा नहीं मांगा गया इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट वन एस पी एस फोर की है जिन पर एस ए वन बी एस सी फर्स्ट डिवीजन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा इस पर बी एस सी फर्स्ट डिवीजन विद केमेस्ट्री वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट टेक थ्री एस पी एस टू जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है इस पोस्ट पर मैट्रिक विंस जो कि कम से कम इसका सेकंड डिवीजन हो यानी कि पचास परसेंट तक मार्क्स हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्पैच राइडर थ्री की पोस्ट है जिन पर मैट्रिक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा रेलिवेंट फील्ड में तजुर्बा भी मांगा गया है अब बात करते हैं दोस्तों इसकी टर्म एंड कंडीशन और अप्लाई करने की तो एज लिमिट की बात करेंगे एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल तक रखी गई है आपके फाइनल डिग्री में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए अलबत् अगर किसी एक डिग्री में सेकंड डिवीजन हो तो एक्सेप्टेबल है किसी भी डिग्री में थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों अप्लाई डेट की अगर हम बात करेंगे तो इस पर आप लोग छब्बीस बारह यानी कि छब्बीस दिसंबर दो तक अप्लाई कर सकते हो अब बात करेंगे कि आप इस पर अप्लाई किस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये अपलिकेशन पार्म मिल जाएंगी अप्लीकेशन फार्म को आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवाए और इसके साथ आप तमाम अटस्ट डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापीज को अटैच करते हुए इस पता पर छब्बीस दिसंबर से पहले पहले हड़ करना है ये एड्रेस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो तो ये आज का हमारा वीडियो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़